भोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज है 19 तारीख, कल तीसरे फेज का मतदान और उसके बाद 23 तारीख को चौथे फेज की लड़ाई लखनऊ आई। और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, चाय पे चर्चा, नाश्ते पे, खाने पे, सब पे एक बात कि बाबा आएंगे या साइकिल पे सवारी करके अखिलेश आएंगे। जी क्या नाम है बड़े भाई? जवाहर मोच को एकदम ताव दिए हुए महाराज, है ना मिश्र जी? क्या कैसा चल रहा है सब धंधा पर? बस चल रहा ठीक ठाक, है ना। भाई क्या चल रहा है चुनाव में? एकदम गर्मी थी। कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ठंडा पानी बहुत ठंडा चल रहा है। ठंडा पानी? मोदी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ा दिया, धंधा मजबूत कर दिया। मोदी जी क्या बढ़ा दिए रोजगार यार, सब चौपट कर दिए, रोजगार बढ़ा दिए। हाँ, योगी जी बोल रहे हैं कि जनता को मजबूत किया। जनता को मजबूत तो किए हैं, हाँ। मगर रोजगार नहीं बढ़ाए ना। रोजगार नहीं बढ़ाए तो जो रोजगार का जो वादा करते हैं, अब करते तो हैं लेकिन अब करें तब ना। नहीं किया, यहाँ पे कम रह गए। आओ क्या लगता है देश में कौन कौन है? देश में कौन कौन है अब क्या बताया जा सकता है? अरे बताइए ना महाराज, तजुर्बा आपके पास है तो हम बताएं। तजुर्बा नहीं है ज़्यादा। अच्छा, योगी जी का कौन सा काम जो उनको ला सकता है और कौन सा काम उनका जो खेल बिगाड़ सकता है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। डरते हैं क्या बोलने में? नहीं डरते नहीं है, रहा है। नहीं, जो चीज़ नहीं जानते कैसे बोल देंगे। अच्छा, अखिलेश का कितना चांस है? अखिलेश का, अखिलेश का चांस लग रहा है कितना? 60% लग रहा है इनका चांस। चांस लगने की वजह? वजह क्या है, जैसे काम किए हैं वो अगले पर। अच्छा, आपने तो सबकी सरकार देखी होगी, सीधा सवाल पूछ लेते हैं, ज्यादा किसका सरकार सही लगा? सरकार तो सही लगा ही मोदी वाला ही। मोदी वाला ही क्या था इसमें सही? अरे इसमें बहुत सही है। चलिए, क्या नाम है बड़े भाई? हाँ बात, क्या नाम है? माता प्रसाद। अच्छा, क्या माहौल है, चुनावी माहौल क्या है भैया? ये बारे में तो हम रहित नहीं है। अच्छा, तो जो ऐसे रही था वैसे ही बता दा। ऐसे तो मोदी जी की सरकार ज़्यादा ठीक रहा है। काहे? राशन फ्री मिल रहा है। हाँ, दो दो शौचालय मिले हैं, लैट्रिन मिली है, कॉलोनी मिली है। मिली है? हाँ। अच्छा, घुसो उसको देना पड़ा था का? नहीं, घुस उस तो नहीं देना पड़ता है, सीधा अकाउंट, सीधा अकाउंट में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अखिलेश जी में मिला था कि नहीं? नहीं नहीं, ये सब हमको नहीं मिला। अच्छा, सोयाबीन वाला तेल मिलता है रिफाइंड का? मिलता है। हाँ, 1 किलो। 1 किलो? हाँ, हर महीने? हर महीने। तो थोड़ा सा सही हो जाता है। हाँ, तो बाबा आएंगे इस बार, क्या लगता है? हाँ, बाबा ही आएंगे इस बार। बाबा ही आएंगे? हाँ, बाबा मजबूती से? हाँ, मजबूती से। अच्छा, तो बाबा से कोई जैसे बाकी और सारी चीज़ में क्या है, अखिलेश जी कितना सही थे, ये कितना सही है? अब हमारे लिए तो यही सही है फिलहाल। ज़्यादा सही होने की वजह राशन? राशन, कॉलोनी। अच्छा, और लाइट पहुंच गई? लाइट पहुंच गई। पहले भी तो लाइट थी? पहले भी लाइट थी लेकिन इतनी आ नहीं रही थी। पहले कितनी आती थी? पहले वही 2-3 घंटे आ रही थी। अच्छा, अब तो 2-3 घंटे केवल 24 घंटे में कटती है बस। अच्छा, 2-3 घंटे कटती है, पहले 2-3 घंटे आती थी, ये फर्क है ना। अच्छा, और बताइए महंगाई, महंगाई असर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा थोड़ा बहुत? महंगाई क्या, अब यही थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ना। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, इतना सारा चीज़ तो फ्रीयों में ले रहे हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना वजह बता रहे हैं वो। आइए, और भी लोग हैं जिधर उधर हम जा रहे हैं क्योंकि शाम सुबह का वक्त है, माफ़ कीजिएगा, और लोग अपनी राय रखने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। क्या नाम है बड़े भैया? एक सर, क्या नाम है? सिंह जी, क्या माहौल है? माहौल तो जो कुछ है पहले से ठीक ठाक है। पहले से ठीक? हाँ, लखनऊ तो मतलब बेशक बहुत अच्छा है। लखनऊ बेशक बहुत अच्छा है। हाँ। चुनावी माहौल क्या? चुनावी माहौल तो अब ये देखिए कुछ पता नहीं चल रहा, सब दिल की बातें जो है, किसी की जो है कुछ अपनी बातें बता सकते हैं। हाँ, जो माहौल है बस उसी तरफ हम झुकेंगे। किधर है माहौल? माहौल हम क्या बताएं? अरे बता, अभी तो बोले कि दिल की बात बताएंगे। नहीं नहीं, अब जो माहौल होगा बताएंगे उस समय। हाँ, तो बताइए, पता चल जाएगा खुद ही। हाँ, तो अभी बताइए ना, रिजल्ट आने पे। रिजल्ट आने पे? हाँ। अच्छा, आप तो सबका सरकार देखे होंगे, अखिलेश से लेके मायावती से लेके बाबा तक। ऐसा है सर कि काम जो है हमको करना है वही कि जो देश के लिए अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। अखिलेश देश के लिए अच्छा कर रहे हैं?
देखिए ऐसा है, जिसके जो समझ में आता है सब अच्छा अपने लिए करते हैं। तो देश के लिए ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है? देखिए अब हमारे ख्याल से तो सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। तो सबको वोट दीजिएगा फिर? नहीं, सबको वोट क्यों देंगे, पर हम किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, सब अपने हैं। ज्यादा अच्छा देश के लिए कौन कर रहा है? अब ये तो खैर आप बता सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं, जब तक आप लोग से पूछेंगे नहीं जानेंगे नहीं तो हम क्या बताएंगे? नहीं नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप चारों तरफ घूमते रहते हैं, आप मतलब समझ लीजिए अच्छे अच्छे उसमें माहौल में रहते हैं, ठीक है ना, खराब सही जो कुछ है, तो जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, आगे जो आएंगे कोई भी आएगा वो भी ठीक है कुछ है, तो जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, आगे जो आएंगे कोई भी आएगा वो भी ठीक है चलाएगा। बाबा बुलडोजर लेके आएंगे कि अखिलेश साइकिल लेके? अब ये हम कैसे बता सकते हैं, तो पब्लिक की मूड है, देखिए अब इतने से जो है जनता है किसको क्या करती है, जनता है सब जानती है। हाँ बस अंदर की बात सब जानती है, अब ये है कि हम पता चला कि हम किसी की बुराई क्यों करें, सब अपने हैं ना। डर लगता है क्या किसी की बुराई? नहीं डर का, हम कमाई अपनी खाते हैं, अपना काम करते हैं, वर्क करते हैं। नहीं नहीं लोग थोड़ा बोलने में हिचकिचाते हैं, देखिए माहौल ही ऐसा है कि जो है हम किसी को गलत नहीं कह सकते, जब हमारे साथ किसी ने गलत नहीं किया हम कैसे कह दें गलत, अच्छा खुद सही रहेंगे तो हम ऑटोमेटिक जो है हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी कोई, बस ये। क्या चाचा कैसा चल रहा है धंधा पानी? ये चल रहा है पूरा एकदम माहौल बनाया मैं, गुटखा लव जूस चॉकलेट है ना। कैसा बिक्री विक्री कैसा होता है, पहले से ज्यादा कम? पहले से तो बहुत कम है। पहले से बहुत कम है, का है नहीं दुकानदारी मार्केट में? पहले कितना कमा लेते थे? अरे पहले 200-300-400 कमा लेते थे, अभी 200-250 कमाने में लाली लगी। पहले 500 का नोट लेके जाते थे, अब 200-250। इसकी वजह क्या लगता है? मार्केट में जान नहीं है। तो योगी जी तो बोल रहे पूरा जान फूंक दिया मार्केट में। वो तो है ही है साहब। हाँ अभी नहीं है, सब नेता लोग भाग गए हैं गांव तरफ। अच्छा ले वोट की वजह से? वोट की वजह से। हाँ तो दुकानदारी है ही नहीं। अच्छा चाचा ये बताओ चुनाव है क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बताइए, क्या लग रहा है कौन किसके किस में टक्कर है? दोनों में टक्कर है, सपा और कमल फूल में। कमल और फूल में ठीक है, तो क्या लगता है कौन इस बार रेस में आगे में आ जाएगा, कौन रेस जीत जाएगा? आएंगे तो योगी बाबा। योगी बाबा हाँ? क्यों बताओ क्यों आएंगे? आनंद चाहिए आप अपने मन का बोलो ना हाँ? क्या क्यों आएंगे? सब चीज है उनके साथ में, जैसे क्या बताएं। चलो देखो यहाँ पे लखनऊ में एक चीज़ तो देखने को मिलेगा कि लोग खुलकर नहीं बोलते, वजह क्या है नहीं पता, मगर लोग बोलते हैं मन की बात है, मन में रखेंगे और वोट डाल देंगे। अब देखिए जिस तरह से चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है, तीन फेज का चुनाव कल हो जाएगा, तीसरे फेज का चुनाव 59 सीटों पर होना है, यादव लैंड कहा जाता है। अब देखिए ये कितना फैक्टर करेगा लखनऊ वो वक्त बताएगा। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।